मराठा समाज को लंबे समय से मराठा आरक्षण के निर्णय की प्रतीक्षा थी, जो आज खत्म हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द किया है, ये राज्य सरकार की नाकामयाबी है। ऐसी टिप्पणी राज्य सरकार के खिलाफ विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस ने की है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिए गए मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आरक्षण पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसकी सीमा को 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। मराठा आरक्षण पर आज ये जो फैसला आया है, उसे राज्य सरकार जिम्मेदार है। राज्य सरकार ने अपनी बात सही तरीके से कोर्ट में पेश नहीं की, जिसका ये नतीजा है, ऐसा भी विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा कहा गया। फडणवीस बोले कि हमारी सरकार के दौरान मराठा आरक्षण कानून क्या क्या, इस संदर्भ में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को वैध करार देते हुए मंजूरी दी, और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के विरोध में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया है, ऐसी टिप्पणी फडणवीस द्वारा की गई है। मराठा समाज को जो आरक्षण महाराष्ट्र में कानून के तहत दिया गया था, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने आज खत्म किया है, स्ट्रक डाउन किया है। हमारे लिए ये बहुत दुखद घटना है। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले समय जब हमने आरक्षण दिया तो ये केस उच्च न्यायालय में गई, हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को वैध तय किया, उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें मैं मुख्यमंत्री था तब गई, उस समय के चीफ जस्टिस के बेंच के सामने गई, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने, उस समय के उस बेंच ने उसको स्टे करने से मना किया, किंतु बाद में जब एक नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और इस सरकार के समय यह केस उस बेंच के सामने गई, तो नॉर्मली अध्यादेश जो होता है, ऑर्डिनेंस जो होता है, उसको स्टे किया जाता है, और जो कानून होता है, एक्ट होता है, उसको स्टे नहीं किया जाता, परंतु इसको स्टे मिला और बाद में आज उसको स्ट्रक डाउन किया गया। तो कुल मिलाकर इस सारे मामले में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने ध्यान देने की आवश्यकता थी, उसको राज्य सरकार ने नहीं दिया। जो एक समन्वय राज्य सरकार में और वकीलों में होना चाहिए था, वो समन्वय भी हमको नहीं दिखा। कई बार राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल्स को ये बोलना पड़ा कि हमको कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिले, हमारे पास जानकारी नहीं है, और कुल मिलाकर आज जो फैसला आया है वो निराशाजनक है। अब हमारी सरकार से मांग है कि सरकार ने तुरंत इसके ऊपर सीनियर काउंसिल्स का पैनल तैयार करके, और इसमें हम क्या रास्ता निकाल सकते हैं, उसका एक पेपर तैयार करना चाहिए और सभी पक्षों को साथ में लाकर एक मीटिंग करनी चाहिए। मराठा आरक्षण रद्द होना राज्य सरकार की यह एक नाकामयाबी है। राज्य सरकार द्वारा सही तरीके से समन्वय न किए जाने से आज मराठा समाज को यह नतीजा देखना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।